ॐ सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्याम राधे कोई न कहता कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग्य जगाते एक राधा का नाम। राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग्य जगाते एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे। बोलो राधे बोलो राधे। व्यर्थ पड़ी माला बिन मोते व्यर्थ रही दिव्य ज्योति। चंदा बिन चांदनी कैसे सूरज बिन धूप न होते। बिन राधा के कहाँ है पूरा नटवर नागर का नाम। बोलो राधे बोलो राधे। बोलो राधे बोलो राधे। साथ है जैसे जल की धारा साथ है जैसे नदी किनारा। साथ है जैसे नील गगन के सूरज चंदा तारा तारा। वैसे इनके बिना अधूरा मन वृंदावन धाम। बोलो राधे बोलो राधे। बोलो राधे बोलो राधे। श्री राधा को जिसने बुलाया उसने अपना जन्म गवाया। धन्य हुई बाणी वो जिसने राधे श्याम नाम गाया। उनका सुमिरन करे बिना कब मिलता है विश्राम।
बोलो राधे बोलो राधे। बोलो श्यामा बोलो श्यामा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, गीता माता के, सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संक्षिप्त का विस्तार, विस्तार का संक्षिप्त, यही विशेषता 18 अध्याय। अभी जो तीन तीन विभाग कर रहे हैं भगवान, एक विस्तार से बोल रहे हैं। खुद ही भगवान कहेंगे अभी जो श्लोक जाएंगे, प्रोच्यमान अर्थात मैं तुमको प्रोच्यमान अस्तिशेन, मैं तुमको फिर कह रहा हूं अर्थात मैं तुमको बता रहा हूं। प्रोच्यमानम सुनो, कहे हुए पहले भी कह दिया। प्रोच्यमान मैंने पहले, प्रोच्य उच्यमान जो कहा है, जो पहले बताया गया फिर मैं बोल रहा हूं। खुद ही भगवान कह रहे हैं कि पहले संक्षिप्त में बताया था, अभी मैं भी विस्तार में बोल रहा हूं। पहले मैं विस्तार में बताया, अभी मैं संक्षिप्त में बताया। ये 18 अध्याय का महात्म्य है, विशेषता। हम भगवान क्या करते हैं, खुद प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा माने खुद बता रहे क्या बताने जा रहे। जैसे आप न्यूज में भी आप देखते हो क्या बताना चाह रहे, क्या न्यूज है वो पहले बताया जा रहा, फिर उसका डिटेल। अभी भगवान ने बीच में ब्रेक लिया। कर्म 3 प्रकार, ज्ञान 3 प्रकार और कर्ता 3 प्रकार बता देते। अभी भगवान ने बीच में ब्रेक मारा, बीच में एडवर्टाइजमेंट किया, ऐसा अर्थ, नॉट ब्रेक। और ब्रेक में सचमुच एडवर्टाइजमेंट ही होता है ना, उसको बोलते हैं कमर्शियल ब्रेक। आपको पता है कि नहीं, वो शब्द कमर्शियल ब्रेक में सब ऐड पड़ता है। तो भगवान भी ऐड कर किसके ना, अब मैं तुमको बुद्धि 3 प्रकार बोल रहा हूं और धृति 3 प्रकार। तो तुरंत एक मन में आएगा, 1 मिनट भगवान आप वही रिपीट क्यों, क्या हुआ? मैंने अब सोचो, कल्पना करो अर्जुन और भगवान है, या तो कल्पना करो बेस्ट आप और भगवान है, वो सबसे अच्छा। भगवान आपको प्रवचन दे रहे, मैं नहीं, मैं तो एक जस्ट मुखौटा। जो माधव है ना, अभी के आपके जो माधव है वो मुखौटा, वो रियली माधव, ठीक है? आप कल्पना करो वो है भगवान, और आप अर्जुन की स्थिति आप पूछ रहे भगवान। हाँ बताओ भगवान, आप हमें ठग नहीं सकते। अच्छा, ये कहां से शब्द है? यू कैन नॉट चीट अस, यू हैव टू टीच अस। ओके, क्या कहना क्या चाहते? आप वही रिपीट, माने रिपीट ना, क्या ना आपने ज्ञान 3 प्रकार बताया, फिर अभी बुद्धि 3 प्रकार बता रहे। देखो कहां बताया था ज्ञान 3 प्रकार, ढूंढो। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, है ना? श्लोक नंबर बताओ तो। अच्छा नहीं, ज्ञान 3 प्रकार कौन से श्लोक में? ज्ञान 3 प्रकार, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, कौन से श्लोक में? 18 में नहीं, 18 में बोल रहे हैं, मैं बोलने वाला। 19 भी नहीं, 20, 21, 22। 20 में कौन सा ज्ञान कह रहे हैं? सात्विक ज्ञान। 21 में कौन सा ज्ञान? राजसिक। 22 में कौन सा ज्ञान? स्वामी जी, हम अभी अभी पढ़ा था एक दो दिन पहले, अगर बता नहीं पा रहे तो बोले स्वामी जी पूर्व जन्म में पढ़ा था ना, इसलिए याद नहीं आ रहा।
बाबा आपने पूर्व जन्म में पढ़ाया हो, मैं नहीं पढ़ाया, चिंता मत करो, आप और हम लोगों का जो रिलेशन है ना वो पूर्व जन्म से, तभी तो होता है, तभी क्वेश्चन आएगा। आप अपने आप को रखना कि ज्ञान आपने बताया 20 और 21 और 22 में तीन प्रकार के ज्ञान, फिर बुद्धि बता रहे है ना, इसका उत्तर देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले भगवान क्या बताने वाले हैं, बुद्धि तीन प्रकार, धृति तीन प्रकार, खुद ऐड कर, खुद बता, श्लोक नंबर 29, चलिए 29 देख। श्री भगवान वाच, बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धि, बुद्धेः भेदं, धृतेः भेदं, बुद्धि नहीं, बुद्धि के षष्टि का, जैसे बालक का, तो बुद्धेः बुद्धि के भेद माने दी डिस्टिंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धि, धृति के भेद, ये जो भेद शब्द दोनों के लिए आएगा, बुद्धि के भेद और धृति के भेद, कितने प्रकार भगवान क्लियर कर देते हैं, हम इधर उधर नहीं जा सकते, कहते हैं गुणतः, गुण के दृष्टि से कितने गुण है, क्लियर कर देते हैं, गुणतः त्रिविधम श्रुणो, सुनो। अभी हम मॉर्निंग साधना पंचकम ले रहे हैं, आज एक पढ़ा रहे थे, शुद्धि शिरो वाक्यम समाकर्ण्यतम, 16 नंबर, 16 नंबर माने 2 नंबर श्लोक में, एक एक श्लोक में 8 पॉइंट, एक एक 8 साधना मैंने लिया था, याद है साधना पंचकम यहां लिया था। अगेन स्वामी जी अपना पूर्व जन्म में लिया हो, इस जन्म में तो नहीं है, वही वही पिछले जन्म में लिया हो, यहाँ नहीं है, कभी नहीं है। तो 16 नंबर, 2 नंबर श्लोक में 16 जो स्टेप है उसमें श्रुति शिर वाक्यम समाकर्ण्यता, अर्थ क्या है, श्रुति शिर मैंने वेदांत, श्रुति वेद, शिर ऊपर, मूर्धन्य वेद के जो मूर्धन्य है, वेद के जो सार है, वेद के जो ऊपर भाग है, वेद के जो उच्चतम भाग है, वेद के जो ऊर्ध्वतम भाग है, जो वेदांत है, उसको समाकर्ण्यतम अच्छी तरह से सुनो, लिसन अटेंटिवली। तो इसमें बड़ा सुंदर कहते हैं क्या, हमारे जो सनातन धर्म, एक होता है पठन और एक होता है श्रवण, पठन और श्रवण से श्रवण का महत्व तो ज्यादा है, जितने भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, स्पेशली घर में हम लोग जब दादी माँ से, दादी माँ जब हम लोगों को कहानी बताती है, सबके संस्कार मिला, बताओ हम पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया ना सुन के ज्ञान प्राप्त, है ना, ज्यादातर हम सुन के किया, समा करने का, इसलिए भगवान भी कहते हैं सुनो, क्योंकि ये जो वेद है, जो वेदांत है, ये जो परंपरा है, ये जो शास्त्रीय परंपरा है सुनने की, तुम अच्छी तरह सुनो, वहां तो बड़ा सुंदर कहते क्या, समाकर्ण्यता, इसमें अर्थ क्या पता है, समाकर्ण्यता अच्छी तरह से सुनो। पूज्य गुरुदेव को सुंदर 2 शब्द कहते हैं, एक होता है हियर और एक होता है लिसन, डोंट हियर रेदर लिसन, तो हियर एंड लिसन 2 शब्दों को वो अलग अलग करते,
एक होता है रीड और एक होता है स्टडी. डोंट रीड, बेटर स्टडी. रीड न्यूज़पेपर, रीड नोवेल, बट स्टडी स्क्रिप्चर. स्वामी शिवानंद जी ने भी कहा है ना. अच्छा, आप होम में रहते हो कि हाउस में रहते हो? यू दैट दिस इंग्लिश यू नो. एक होता है हाउस और एक होता है हमें होम में रहना, नॉट के हाउस. ऐसे ही हियर लिसन. और एक क्या शब्द बताया था? रीड एंड स्टडी. कितना सुंदर. तो भगवान कहते हैं सुनो, माने लिसन, अच्छी तरह सुनो. प्रोच्यमान में ऑलरेडी बता चुका हूं किसके बारे में, बुद्धि के बारे में. अब देखो सेकंड चैप्टर ले लो ना, सेकंड चैप्टर में बुद्धि के बारे में बताया, षष्ठ अध्याय में भी बताया, शनि शनि उपरमेत बुद्धिया. अभी मेडिटेशन के बारे में बता रही ना, तो जब मैं मेडिटेशन सिखाऊंगी ये श्लोक पक्का आने वाला है, दो तीन बार या तो रोज आएगा लास्ट में. शनि शनि उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया. देखो बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल, और सात्विक बुद्धि ही ये ध्यान कर सकती है. तो मैंने बताया प्रोच्यमान, फिर मैंने 14 चैप्टर में बताया सत्वगुण रजगुण तमगुण. सत्वगुण का लक्षण ही सात्विक बुद्धि है, ये सब बताया. तो प्रोच्यमान विशेष है ना, प्रोच्यमान अशेष है, अच्छी तरह से बताया. पृथक्त्वेन अलग अलग रूप में बताया. अब फिर तुमको दोबारा बता, भगवान यही तो हम पकड़ रहे थे, आप भाषण दे रहे हो. भगवान हंसने लगे, अच्छा अच्छा बताओ क्या बता रहे थे. मैंने तो अपना 39 श्लोक का अर्थ, 29 श्लोक का अर्थ बता दिया, तुम क्या कहना चाहते. भगवान मौका दे रहे हैं. देखो तो भगवान भी मौका देते हैं हम लोग को बात करने. देखो तो ये जो पर्सनल गॉड है ना, वो कुछ भी आप उनके साथ खेल सकते हो. नहीं, मैं किसी को आंसर दे रहा था सिद्धवाड़ी में, ये तीन थे. एक होता है जो सामाजिक गॉड है ना, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है. तिरुपति जाओगे तो रेस्ट्रिक्शन हो. और जो आपका जो पर्सनल गॉड है, उसको आप बच्चा भी बना सकते हो, उसको आप बड़े भी बना सकते हो, उसको अपना बेटा बना सकते हो, उसके अगर कांता भाव रखोगे तो पति बना सकते हो, और सखा बना सकते हो अर्जुन जैसा, कुछ भी कर सकते हो. क्योंकि ये रुचि भेद है ना, भाव भेद है. रुचि एंड भाव के अनुसार वो आपका है. जैसे साधु सबका, गुरु आपका, जो जो मंदिर का भगवान वो सबका है, और जो आपका भगवान है वो आपका है. तो यहां भगवान आपका है, जो गीता आप सुन रहे हो. कृष्ण को हम अपना सामने रख सकते. तो भगवान ने कह दिया 29 में, सुनो अब क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन. आप अपने भगवान आप ना रिपीट कर रहे. हम लोग थोड़ा इंग्लिश जानते हैं ना, तो इंग्लिश बोलते हैं, भगवान यू आर रिपीटिंग ऑलवेज. और आपसे सुनकर ये जो माधवानंद जी है ना, वो भी रिपीट कर रहे. ऐसे मेरे लिए भी डांट पड़ी भगवान के लिए. अच्छा मैंने क्या रिपीट किया ना, पहले भी बताया था आपसे, खुद ही बोल रहे प्रोच्यमान है, क्यों, व्हाई यू आर टेलिंग, क्या जरूरत है बोलने के लिए. आप खुद ही मान रहे हो ना, स्वीकार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो. हाँ तो बताया क्यों. देन भगवान आंसर दे रहे, सुनो बोल. एक कोई भी प्रवचन देते देते हैं जो शास्त्र का देते हैं, उसमें 6 लक्षण होता है. क्यों हंसा मुझे पता है, मैंने क्यों हंसा, भगवान ने ऐसा, मैं हंस रहा. 6 लक्षण होता है. क्यों सा, अभी मैं पूछने वाला हूं 6 लक्षण क्या है. शास्त्र के बताने के लिए 6 लक्षण. नंबर 1, ये टेक्निकल शब्द है, मेडिकल साइंस जैसा. 6 लक्षण बताना पड़ेगा, टेक्निकल शब्द है. मैं एक एक करके बता दूं, शायद एक दो और आपको याद आ जाएगी. 6 लक्षण और थोड़ा सा बता रहा हूं, अर्थात जो शास्त्र है ना, वो शास्त्र में ये 6 लक्षण होना चाहिए.
और जो वक्ता है वो छह लक्षण को अवलंबन करता है, छह लक्षण का आश्रय लेता है, ये छह लक्षण के सहारा लेता है। फर्स्ट है उपक्रम उपसंहार, सुना है ना, मना कर सकते यू आर इंडिपेंडेंट। उपक्रम उपसंहार, इसका अर्थ है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन विल बी सेम। शास्त्र में जो प्रारंभ किया गया है विषय वो अंतिम में वो ही किया गया है, उपक्रम उपसंहार। ठीक है, जो मेन पॉइंट है बनने में उसको लास्ट में रखो सो दैट आपको लगेगा। सेकंड है, कोई बता सकता है, नहीं ना, आ नहीं रहा, ये ऑनलाइन वाले रेडी है, जो जो रेगुलर सुनते हो बार बार लिखते हो तभी वो याद आएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि सब टेक्निकल शब्द। सेकंड है उपपत्ति, उपपत्ति माने तर्क है, जब शास्त्र कहा जाता है तर्क का अवलंबन लिया जाता है, तर्क उपपत्ति। थर्ड है अर्थवाद, अर्थवाद माने प्रशंसा, ये शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, ये सब प्रशंसा। फोर्थ है अपूर्वता, अब जैसे उपनिषद कोई पढ़ रहे हैं, उपनिषद की अपूर्वता है, उपनिषद से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये अपूर्वता। गीता की अपूर्वता क्या है, वही उपनिषद का ज्ञान है, ज्यादातर अरण्य में होता है, और ये भगवान की खासियत है, रण में दे दिया, ये अपूर्वता। समझ में, कितने हुए? एंड पांचवा है फल, उसका रिजल्ट क्या है, शास्त्र जब बताता है उसका प्रयोजन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। छठा है जो मैं इस पॉइंट को बोलने वाला हूं, जो अभी हमारा जो प्रश्न था भगवान को, भगवान आप रिपीट क्यों कर रहे हो, तो भगवान उत्तर देते हैं इसी लिंग से, छठा है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। अभ्यास को इंग्लिश में क्या बोलोगे? रिपीटेशन। तो भगवान कहते हैं देखो ये उपनिषद का, ये वेदांत का ये नियम है, छह लक्षण में चलता है, अगर मैंने रिपीट किया है इट इज नॉट डीमेरिट, इट इज मेरिट, छह लिंग के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? बताओ तो छह क्या है, उपक्रम उपसंहार, उपपत्ति, अर्थवाद, अपूर्वता, फल, कौन संबंध बोला, संबंध कौन बोला ना, संबंध वो तो आप जोड़ दिया, कल का खाना यहां ले आया, वो है अनुबंध चतुष्टय में संबंध है, वो अधिकारी फिर विषय फिर प्रयोजन संबंध, उसको यहां नहीं लाना, वो अलग है। तो मैं पॉइंट क्या बताना चाहता हूं, भगवान कहते हैं अगर रिपीटेशन हुआ है गलती नहीं है, इसीलिए उपनिषद में बार बार रिपीटेशन कहते हैं, खुद उपनिषद में सदैव सौम्य इदम अक्रम आसित, देखो ना छांदोग्य उपनिषद में 9 बार बोलते हैं तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तो कोई तो बोरिंग हो जाएगा। और एग्जाम्पल बता रहा, पानी लाओ, नमक लाओ, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट, फिर कहते तत्वमसि, मिट्टी लाओ, घड़ा लाओ, तत्वमसि, बरगद के पेड़ लाओ, अपने फल लाओ, बीज निकाल दो, तत्वमसि, खाना मत खाओ 15 दिन, माने 9 meal a day, 15 days श्वेत कोष को बोलते खाना मत खाओ, फिर वो समझा रहे तत्वमसि, ऐसे 9 times बताया, तो ये तो डिमेरिट होगा, पर नहीं, अभ्यास। क्यों? क्योंकि आत्मा दुर्विज्ञेयत्वम, आत्मा को जानना कठिन है, इसलिए बार बार बताया जाए। तो भगवान प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, हे धनंजय तुम धन को इकट्ठा किया है, धनंजय का अर्थ सुन ली, धन को तुम इकट्ठा किया है इसलिए धनंजय अभी तुम ज्ञान को इकट्ठा करो, और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ धन है। कितना सुंदर, ठीक है। अच्छा और एक प्रश्न, भगवान हम लोगों ने जब प्रश्न पूछा भगवान ने यही उत्तर दिया, ठीक है।
भगवान और एक क्वेश्चन है ना, क्या आपने ज्ञान तीन प्रकार बताया? देखिए हम आपके रेगुलर स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है, उत्तम अधिकारी, तो भगवान खुश हो गए इसे सुन। ओके ओके ओके, बताओ क्या बताना चाहते ना। आपने 20 21 22 तीन श्लोक में ज्ञान के बारे में बताया, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तमसिक। अभी फिर बुद्धि के बारे में बता रहे, ये तो एक ही है ना, क्या जरूरत है रिपीटेशन है। तब भगवान उत्तर देंगे, कहते नहीं, ज्ञान जो है ना वो प्रमास्थानीय और जो बुद्धि है प्रमाण स्थानीय। ये क्या होता है स्वामी जी, एक तो ज्ञान और बुद्धि कंफ्यूजन था, अभी प्रमाण प्रमाण करके फिर डबल कंफ्यूजन कर दिया। प्रमा माने ज्ञान, जो ज्ञान होता है ना वो हमारे एक वृत्ति होती है, हमारे अंदर एक वृत्ति आती है प्रमा वृत्ति, और जो बुद्धि है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक कर्ण स्थानीय, वो है अनुभूति स्थानीय और ये है कर्ण स्थानीय। अभी समझ में, और थोड़ा क्लियर कर। एक चाकू ले लो काटने के लिए, हाँ, तो चाकू इंस्ट्रूमेंट और काटना उसके क्रिया, उसके वृत्ति, उसके व्यापार, व्यापार समझ रहे। तो ज्ञान इज इक्वल टू व्यापार और बुद्धि इज इक्वल टू कर्ण चाकू जैसे, ये फर्क। तो भगवान अभी कर्ण स्थानीय बुद्धि बता रहे। अच्छा, बुद्धि के पास एक क्वालिटी होती है, वह है धृति, फॉर्ट्यूटिव, फॉरवियरेंस, टेलरेंस। तो धृति भी तीन प्रकार है, वो भगवान बताने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, तो अभी श्लोक पढ़ लिया था। अच्छा, और एक डिफरेंस, ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है। जो ज्ञान है ना वो सामान्यात्मक वृत्ति है और जो बुद्धि है वो विशेषात्मक वृत्ति है। ये सब डिफरेंस है। जो ज्ञान है सामान्यात्मक, जैसे अभी अभी धीरे धीरे एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं हमारे चिन्मय जागृति का, तो जब कहीं हवन होता है कोई बड़ा फंक्शन है, लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनसे तो व्यवहार आप करेंगे, तो व्यवहार करते पूछते हैं पहले भी आप आ चुके? हाँ आए थे, जस्ट एक आ करके बाहर से चले गए। वो क्या है, जनरल है, सामान्य। अब मगर हम अंदर आए, आपसे मिले, सबसे मिले, एक प्रोग्राम अटेंड किया, वो क्या हो गया, विशेषात्मक। अभी समझ में। और कुछ कुछ है कहते हाँ रास्ता में देखा था, क्या एक गुंबज है और मंदिर है कोई, अभी आपने बुलाया या फंक्शन है या इनविटेशन गया, हवन है, प्रोग्राम है, तब हम आए। तो पहले से देखे, रोड नजदीक है, रोड के किनारे लिखा भी हुआ है श्री राम मंदिर चिन्मय जागृति, तो हम देखा था, अंदर नहीं घुसा। वो पास पास लोग भी है, तो वो क्या है, सामान्यात्मक। और जब अंदर घुसते प्रोग्राम अटेंड करते बात करते हैं, तो वो क्या हो गया, विशेषात्मक। ऐसे ही तो भगवान ने पहले सामान्यात्मक बताया था ज्ञान, अभी भगवान विशेषात्मक बता रहे। ये सेकंड मीनिंग हुआ, फर्स्ट मीनिंग इज बेस्ट, वो है प्रमास्थानीय और ये है प्रमाण स्थानीय। वो है व्यापारात्मक क्रियात्मक ज्ञान और ये है करणात्मक, जैसे चाकू एंड काटना जैसा। क्लियर? चलिए, जैसे ये माइक, एक माइक, तो माइक जो है इंस्ट्रूमेंट और उससे जो बोलना वो क्रिया। ये हो गया, अब भगवान कहते हैं मैं तुमको बता भी दिया, क्या बताया आपने कि बोलने के लिए ना सुनो। तो 30 श्लोक में भगवान सात्विक बुद्धि बता रहे। बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है समझ लीजिए, या जो ज्ञान, बुद्धि के अंदर ही ज्ञान वृत्ति होती है, बुद्धि के अंदर ही धृति होती है और बुद्धि के अंदर विवेक होता है।
बुद्धि का कैपेसिटी भी नहीं। बुद्धि क्या है? फैकल्टी। फैकल्टी बड़ा सुंदर आजकल मॉडर्न एजुकेशन में कहा जाता है, वो विजिटिंग फैकल्टी। फैकल्टी आप रिटायर्ड होने के बाद भी गवर्नमेंट कहता है कि आप एक प्रोफेसर के रूप में विजिटिंग रूप में टॉक देने के लिए आइए, तो उसको फैकल्टी बोलते हैं। तो बुद्धि एक फैकल्टी, विवेक एक डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर। देखो फैकल्टी फैक्टर अलग अलग। चाकू इज ए फैकल्टी, काटना इज ए फैक्टर, ये अर्थ। तो बुद्धि में विवेक होता है, विवेक अपने आप स्वतंत्र नहीं है, बुद्धि के क्वालिटी है। बुद्धि अगर डल है तो विवेक आएगा ही नहीं। और विवेक का अर्थ क्या है? अलग अलग करना। विवेक एक शब्द से जो बना है वो बीच धातु, बीच धातु। तो बीच का अर्थ क्या होता है? ना अलग अलग करना, बीच पृथक करने। तो विवेक का अर्थ है पृथक करने, सत असत, धर्म अधर्म, क्या करना है क्या नहीं करना, ये देखो बता बुद्धि का ही काम। ठीक है, प्रवृत्तिं च निवृत्त, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्या कार्ये भया भयो। बंधम मोक्षम च या वेत्ते, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि उसको कहते हैं जो ये छह चीज जानती है। ये एग्जाम्पल में छह बताया, एक बार जान लिया तो सब कुछ जान लिया। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू टू, तो देन क्या हुआ? वन स्क्वायर प्लस, नहीं वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू टू। ये बताने का ज्यादा गणित चिंता मत कर रहा, ठीक है। तो एक बार अगर ये सूत्र जान लिया, ए एक हो या एक 1000 हो या बी दो हो या 2000 हो, कोई परवाह नहीं, सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार एक बार बुद्धि में कैपेसिटी हो गई, सब कुछ जान ले। कोई बोल देता है ये जो वेदांत है ना वो समझ में नहीं आता है। अच्छा, हमारे गुरुजी बड़ा सुंदर दो तर्क बोलते हैं। एक है जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना अपना सेकुलर में, वो इसमें भी अच्छे ही बने। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, इसका इंजीनियर तो पास कर लिया, इतने बुद्धि तेज नहीं, क्योंकि बुद्धि इसमें और इसमें सही में। अगर उसमें इसमें नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है एजुकेशन में भी अच्छे नहीं किया। जो वहां का स्टूडेंट अच्छा है वो यहां अच्छा कर ले। और एक फैक्टर है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट। वहां इंटरेस्ट रहता है, यहां इंटरेस्ट नहीं रहता है, ज्ञान नहीं हो, प्रायोरिटी। कोई कहेगा मुझे पूजा में इंटरेस्ट नहीं है, वो संस्कृत श्लोक है ना वो हम नहीं कर पाते। तो आप मेडिकल साइंस में यू आर अ गुड डॉक्टर, यू आर अ गुड इंजीनियर, यू आर अ गुड साइंटिस्ट, यू आर अ गुड स्पीकर, यू आर अ गुड कवि, हाँ वही कैपेसिटी यहां लगाओ। अभी लगाया नहीं, क्यों? वो प्रायोरिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं हुआ। एक बार जब इंटरेस्ट हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, किसी ने भी संस्कृत सीखा कितना? 5-6 साल में उसको इंटरेस्ट बढ़ गया। आपने सीखा नहीं था, अभी आप सीख जाओगे, 5 साल के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। इसलिए दो फैक्टर बहुत ही काम देता है, क्या? आपकी बुद्धि की एफिशिएंसी और आपकी बुद्धि, आपके अंदर इंटरेस्ट, ये दो चीज। अगर इंटरेस्ट है पकड़ लो, और एफिशिएंसी है पकड़ लो,
समझ में क्लियर हुई? तो कहते हैं ये बुद्धि सात्विक बुद्धि है जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है जान लेती। प्रवृत्ति माने क्या है, ज्यादातर अर्थ क्या है, प्रवृत्ति माने कर्म करना, निवृत्ति माने कर्म न करना। प्रवृत्ति कर्म करना, निवृत्ति कर्म न करना, मगर यहां पर प्रवृत्ति माने शास्त्रीय ढंग से कर्म करने को प्रवृत्ति कहते हैं, और निवृत्ति का अर्थ यह है कि शास्त्रीय ढंग से कर्म योग संन्यास को निवृत्ति कहते हैं। थोड़ा सा निवृत्ति का अर्थ क्या है, कर्म न करना, वो निवृत्त हो गया, वो अर्थ नहीं। अर्थात वही जो फल त्याग संग रहित, अगर हम श्लोक में जाए ना, वो सब निवृत्ति के बारे में बताया, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये जितना चिंतन करेंगे ना, वो मंथन बोलते ना उसको, मंथन करेंगे। आप जाइए, कहां जाइए स्वामी जी, अभी तो आप छोड़ोगे नहीं है, कहां जाएंगे, जाएंगे आप 18 अध्याय 9 नंबर श्लोक में देखिए। ये जो 18 अध्याय 9 नंबर श्लोक है ना, सात्विक त्याग, इसी को निवृत्ति कहते हैं। इसमें लक्षण क्या है देख लेना, कर्म करना ही पड़ेगा नंबर वन, और कौन सा कर्म, नियत कर्म नंबर टू, फिर क्या करना है, संगम त्यक्त्वा, फिर क्या है, फलम चैव इजिकल टू सात्विकत्वा, इसी को यहां पर निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, कल मैंने फिर बताया था, 23 नंबर जाइए, नियतम संग रहितम, यही है, उसमें क्या है, सात्विक कर्म। तो सात्विक कर्म ही निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ है काम न करना, चुपचाप बैठ जाना, वो नहीं है। कभी कभार ना एक धारणा आती, कुछ नहीं करना और भाग जाए कहीं गंगोत्री में पड़े रहे, फिर वहां फिर मन विक्षिप्त रहेगा। तो पहले सोचना चाहिए और तुरंत कोई चीज स्टेप नहीं लेना। पहले आप 6-7 दिन रह पाते हो, खुद लोग कहते मैं सब छोड़ छाड़ करके समय चला जाऊंगा, कभी नहीं करना, फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले आप अपना घर में ही एक दिन मौन रह के छोड़कर रख सीखो, उस समय पता चलेगा आपका मन कैसा है। नहीं हो, ये सक्सेस हो गया, वेरी गुड, फिर आश्रम आकर के 2-3 दिन रुको, उससे पता चलेगा कि आश्रम वातावरण में कैसा आप रह रहे हो। फिर उसके बाद 7-8 दिन का कैंप अटेंड करो, सिद्ध बड़ी उत्तरकाशी आदि कैंप, उसमें पता चलेगा कैंप में आप साधक के रूप में कैसे रह रहे हो। देन उसके बाद आश्रम में 1-2 महीना रहने के लिए कोशिश करो, देन उसके बाद परमानेंटली आश्रम में रहोगे, ऑल एंड सडन रहोगे नहीं हो। निवृत्ति अगर नहीं है तो फिर मन विक्षिप्त करेगा, ये भगवान कहते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति को अच्छी तरह से जो जानती है बुद्धि ना, वो सात्विक बुद्धि है। फिर कार्य और अकार्य, एक देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीजें, मैंने आपको 6 बोला था, रियली 8। कार्य अकार्य, कार्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहले प्रवृत्ति बताया और निवृत्ति बताया, उसमें तो कार्य हो गया। नहीं 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 नहीं, कार्य में क्या है ना, कर्तव्य बोध है, और प्रवृत्ति में क्या है कि बंधन के जो हेतु है वो जो कर्म मार्ग है उसके बारे में बता रहे। एक है कर्म मार्ग और एक है कर्म करने का एक्सप्रेशन, वो बताया प्रवृत्ति एंड कर्म में, और निवृत्ति संन्यास मार्ग, और अकार्य में न करना, यही फर्क है। जो हम लोग सोच रहे हैं ना, कुछ नहीं कर, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं, गुरुदेव 3 चीजें व्यवहार करते थे, एक्टिव, इनएक्टिव, अनएक्टिव। इनएक्टिव को अकर्म कहते हैं, जो नहीं करना, आलस है। अनएक्टिव को सात्विक कहते हैं, तो इंग्लिश बड़ा सुंदर शब्द है अनएक्टिव। वो अनएक्टिव यहां नहीं है, वहां अनएक्टिव है, पहला वाला निवृत्ति वाला अनएक्टिव है, फर्क पड़ा। और अभी है अकार्य माने इनएक्टिव, अर्थात
वो बुद्धि अनएक्टिव भी क्या जानती है, इनएक्टिव भी क्या जानती है, इसको जान लेना ठीक से। अर्थात संन्यास मार्ग निवृत्ति वो भी जानती है और जो आलस है उसके बारे में भी ठीक जानती है, कौन सा आलस कौन सा नहीं। भगवान ऑलरेडी तृतीय अध्याय में बता रहे, नहीं चतुर्थ अध्याय, कर्मण्य या कर्मय अश्चेत अकर्मणि च कर्मय, अर्थात कर्मों में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, जो ऐसे हैं वो ज्ञानी। कहां पर है स्वामी? चौथा अध्याय 18 नंबर जाइए, फोर्थ चैप्टर के 18 नंबर, कर्मणि अकर्मय अश्चेत अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सकृष्ण कृष्ण वित्त, वो ही अच्छी तरह से वो जानता है। चार अध्याय के 18 नंबर श्लोक में, चार अध्याय के 18 नंबर श्लोक, संयुक्त कृत्न कर्म, कर्म में जो कर्म देखता है अकर्म में जो कर्म देखता है वो है। तो वहां निवृत्ति माने क्या है, कर्म में अकर्म देखना संन्यास मान, और प्रवृत्ति माने अकार्य माने जो चुपचाप बैठा हुआ है नहीं जानता, और अकार्य को समझाने के लिए मैं और बता रहा हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे जब चलते हैं ना एक्सरसाइज, कभी उधर जाओगे, तृतीय अध्याय चला जाओ, तृतीय अध्याय में, ठीक है, तृतीय अध्याय के 6 नंबर श्लोक जाइए, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। क्या है, ऊपर से इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया मगर मन में सब त्याग कर लिया, मन में हो, मन में वही चीज है, कामना वासना है, वो मिथ्याचार है। इसको ही अकार्य रूप में कहते हैं, ऊपर से कुछ कर्म नहीं किया मगर मन में है, उसको भी सात्विक बुद्धि जानती है। देखा, तो अनएक्टिव इनएक्टिव सब कुछ जानती है। फिर आगे देखिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भय और अभय, जो सात्विक बुद्धि है वो जानती है, विचार करती है, भय क्यों होता है ना, जहां द्वितीयात वही भयम भवती उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवती, तैत्रोपनिषद, द्वितीय से ही भय होते, अद्वैतम एव वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य शतकम, जो अभय है वो ज्ञान ही एकमात्र अभय तत्व है, वो भी सात्विक बुद्धि जानती है। और बंधम मोक्षम, बंध और मोक्ष जानती है वो क्या है, बंधन का कारण क्या है सात्विक बुद्धि जानती है कि प्रवृत्ति, और मोक्ष का कारण क्या है निवृत्ति। बंधन करने से प्रवृत्ति होने से क्या होती है, तो मनुष्य कर्म करने में आगे आएगा, और निवृत्ति है अकार्य माने अहंकार नहीं होता है, अनएक्टिव या, और भय होता है बंधन के कारण भय, और मोक्ष में अभयत्व। बंधन कर्म के बीज है, पुनः पुनः जन्म मरण चक्र में रहता है, मगर जो एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया वो मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये है सात्विक बुद्धि। अब है 31 में राजसिक, यया धर्मम अधर्मम च, कार्यम चाकार्यमेव च, अयथावत् प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी, अर्जुन हे पार्थ, तुम्हारी जो माँ है ना प्रथा, उनके अंदर सात्विक बुद्धि है, तभी तो तुम लोगों को धारण किया है और इतने विपत्ति होते हुए भी मुझे याद करती रहती है। इसलिए हे पार्थ सुनो,
जिसके द्वारा धर्मम अधर्मम, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कार्यम अकार्यम, कार्य क्या है अकार्य क्या है, और यथावत प्रजानाति, अच्छी तरह से नहीं जानता है, अलग रूप में जानता है। और यथा माने अलग रूप, देखो तीन शब्द है, यथावत अर्थात अच्छी तरह से जानता, ओ यथावत उल्टा रूप में जानता, नौ यथावत बिल्कुल नहीं जानता, तीन शब्द है यथावत, ओ यथावत, नौ यथावत। इसको छोटा सा शब्द में बताऊं, सम्यक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अज्ञान, इसी को बोलते सम्यक ज्ञान अच्छी तरह से, विपरीत ज्ञान अलग ज्ञान, विपरीत और अज्ञान। ठीक, एक एग्जाम्पल सुन लीजिए, ओ यथावत माने ये अर्थ है दूसरे टाइप में जानना, कैसे, दो लोग गए प्रजापति के पास, एक है इंद्र और एक है विरोचन, उपनिषद की कथा। इंद्र और विरोचन जब गए कहा कि तुम्हारे अंदर ही आत्मा है, उसको जानो, तुम ही आत्मा है उसको जानो। अब तुम वो जो पास में नदी है, तालाब है, जाओ और देखो। इंद्र आया, इंद्र देखा, विरोचन गया था, विरोचन भी देखा, विरोचन खुश हो गया, क्यों, विरोचन थोड़ा सा हटकटपटा था, मस्त खुश हो गया, इसका अर्थ है मैं शरीर को ही ठीक से रखूंगा, शरीर ही आत्मा। अब इंद्र क्या क्या बात की बात है, अब इसने क्या किया, तुरंत आया खबर दे दिया कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया प्रजापति से, मेरा कोर्स जल्दी खत्म हो गया है और तुम लोग मुझे स्वागत करो, स्वागत किया और उसके बाद कहा सुनो, जितने हमारे राजधानी में पूजा होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, सब बंद करो। और उसने बहुत सुंदर भाषण दिया, ताकि देखो शरीर को खुश रखना ही सर्वश्रेष्ठ काम है। अब सवेरे उठोगे, कौन कहता है सवेरे उठोगे, तो सवेरे उठोगे दुख कौन पाएगा, आप हाना तो बोलो शरीर पाएगा, तो ये शरीर को दुख देना अधर्म है, कितना सुंदर तर्क है। अच्छा, इसलिए क्या करना चाहिए, अगर नींद आती है सो जाओ, तो नींद आती है तो सो जाना ये क्या है, धर्म है, क्योंकि शरीर के सुख देना, ऐसे प्रवचन दिया, इसको कहते हैं अयथा। अभी समझ में, अब और एक कहानी सुन, काशी पुरानी बात है, काशी नरेश के दो तीन रानियां थी, छोटी रानी बहुत सुंदर थी और वो काशी के जो अलग अलग घाट है, मणि करने का घाट या आदि, सवेरे सवेरे जो कार्तिक महीना में स्नान करने के लिए जाते हैं, ठंड है तो दो तीन दासियों को लेकर के ये गई 4 बजे, किसी ने बोल दिया अगर तुम 4 बजे स्नान करो, स्नान करने के लिए गई, वो ठिठुर गई, तो वहां जो केवट लोगों के जो घर है, झोपड़ी है, तो लगा कि इस जो रानी तो है, झोपड़ी आग लगा, आग जब लगा दिया तो उन लोगों का घर सब गया, क्यों, क्योंकि गर्म होने, इसको क्या कहते हैं, अयथावत। तो राजा ने क्या किया, दंड दिया, बड़े धार्मिक थे, और कहा कि अभी यहां से आप निकल जाइए, राजधानी में पैसा मांगिए, इकट्ठा होने पर घर वही बनाइए, जब कंप्लीट होगा तब आप अंदर घुस सकते। तो जब राजसिक बुद्धि रहती है तो वो अपने ढंग से सोचती है, जैसे विरोचन ने सोचा। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं तामसिक पर, धर्म अधर्मम धर्ममितया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च
बुद्धि सा पार्थ तामसे। और धर्म को धर्म समझना, ये विरोचन शास्त्र था, विरोचन के पास। और ये जो रानी के एग्जाम्पल है, दोनों ही राजसिक और तामसिक। अधर्म को धर्म समझना, क्यों इसे समझते? तमस आवृत, बुद्धि अंधकार से, और तमस माने यहां पर अज्ञान, अज्ञान से, अविवेक से, तमोगुण से। तमस माने तमोगुण, तमोगुण का काम ही अज्ञान मोह, 14 अध्याय में ऑलरेडी देखा था। तो आवृत है सर्वार्थं विपरीताश्च, हमेशा हर चीज में विपरीत ही देखता, उसको सब चीज उल्टी लगती। जानना तामसिक बुद्धि है। अब मैं बता रहा हूं, भागवत में एक राजा था बेन, वो अंग राजा का बेटा था। अंग राजा मर गए, फिर उनके शरीर को मंथन किया, तो बेन राजा, उन्हें बेन मर गया, तब वो बाद में मंथन करके पृथ्वी में, ये जो बेन है वो राक्षस, उसने क्या किया, सबको बुलाया, राजा बन गया, राक्षस प्रवृत्ति। कहा कि तुम ऋषियों को भी बुलाया, ब्राह्मण को भी बुलाया, पंडितों को भी बुलाया, कहा कि तुम लोग सब कुछ उल्टा पुलटा कर रहे। सब लोग आश्चर्य, क्या बोल रहे, देखो ईश्वर की पूजा कर रहे हो ना, ईश्वर को देखा है? सब कहा ना, यही तो गलती है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में जो आता है ना, वो राजा है और वो मैं। तो ईश्वर जब प्रत्यक्ष रूप में राजा के रूप में आता है, तो ईश्वर कौन हुआ? राजा हुआ। और ईश्वर कौन हुआ? मैं हुआ। इसलिए बाकी जो मंदिर देवता के पूजा बंद करो, मुझे ही पूजा। ये भागवत में वर्णन है। कहते तुम सामने ईश्वर है, उसको ना देख करके जो अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है उसको पूजा कर रहे हो। इसको बोलते तमसाव, इसको बोलते अयथावत प्रजानात। धर्म को अधर्म को ही धर्म समझ। सर्वात्मा और एक करना, राजा और रानी एक एक राज्य था जिसमें एक गुरु और शिष्य, जा रहे थे। शिष्य को थका हुआ, शिष्य ने, गुरु जी इस राजधानी में रहे ना, इस राजधानी में नहीं रहना, क्यों? मैं तुझे बताता हूं करके। जब रात हुआ तो उस राजधानी में क्रॉस किया, जब क्रॉस किया एक स्त्री निकल करके आ गई, तो गुरुजी शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये स्त्री इतने सुंदर है, ये कौन निकल गई है? ना इसका नाम है, नहीं पहले पुरुष निकला, बहुत सुंदर पुरुष है वो निकल गए, ये कौन है? ना इस राज्य में धर्म नहीं है, इसलिए धर्म ही पुरुष के रूप में निकल गया। फिर उसके बाद एक स्त्री निकली, जब धर्म नहीं है तो एक स्त्री निकल गई तो लक्ष्मी चली गई। कहते जहां धर्म नहीं है वहां सत्य शील सब जो बैटालियन है वो चले जाएंगे, और लक्ष्मी नहीं रहेगी, इसलिए यहां नहीं रुकना है, चले जाओ। तो ये है राजसिक और तामसिक। एक इस प्रकार के अयथावत वो जो बुद्धि है। अब नेक्स्ट तीन हो गया, सात्विक राजसिक तामसिक बुद्धि। अब धृति के बारे में बोल रहे, एक श्लोक ले लेते हैं। धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाभ्यभिचारेण्याः धृति सा पार्थ सात्विके। बुद्धि के ये क्वालिटी है धृति। देखो तो बुद्धि होगी
मगर धृति होगी करके कोई माने माने नहीं, कोई गारंटी नहीं है बुद्धि होने पर धृत रहेगी। बुद्धि को जब हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट समझ रहे, मोबाइल होगी मगर कोई ऐप है डाउनलोड नहीं किया तो वो होगा करके कोई माने नहीं, आप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बुद्धि में भी डाउनलोड करना पड़ेगा क्या धृति, और ऐसे इधर उधर के चीजें ऐप सब डाउनलोड करोगे वो आपका खाएगा, डाटा चला जाए। तो राजसिक तामसिक नहीं, सात्विक क्या है इसको डिटेल हम लोग कल देखें। अभी थोड़ा सा अर्थ बता देता हूं। उस धृति उसको कहते हैं जो योग में व्याप्त हुई और समाधि में लगी हुई, योगेन अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी नहीं है अव्यभिचारिणी, यया धृत्या मन प्राण इंद्रिय क्रिया क्या है धारयते। उस धृति में मन प्राण इंद्रिय के जो क्रिया है उसको धारण करते हो, क्या अर्थ है हम लोग मन की क्या क्रिया है, प्राण की क्या क्रिया है, स्वा एवं इंद्रिय की क्या क्रिया है उसको डिटेल देखेंगे, उसको बोलते सात्विक धृति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति।